विशाल आदित्य सिंह और मधुरिमा तुले का झगड़ा जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। दोनों वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर जब शो में आए थे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि अब हम नहीं लड़ेंगे, अब आपको हमारी परफॉर्मेंस, हमारी केमिस्ट्री और हमारी दोस्ती देखने को मिलेगी। लेकिन एक बार फिर से रिहर्सल्स के दौरान विशाल और मधुरिमा का झगड़ा हो गया। झगड़ा भी कोई ऐसा वैसा नहीं, हाथापाई तक झगड़ा पहुंच चुका था। आसपास के लोग दोनों को रोकने पहुंचे तब भी दोनों काबू में नहीं आ रहे थे। बड़ी ही मुश्किल से दोनों के झगड़े को सुलझाया गया। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि मधुरिमा की मॉम को सेट पर बुलाना पड़ा। बता दें कि विशाल आदित्य सिंह सेट पर 2 घंटे लेट आए। मधुरिमा ने 2 घंटे तक विशाल का इंतजार किया। जब विशाल आदित्य सिंह सेट पर आए तो लेट आने के लिए मधुरिमा उनसे बहस करने लगी, जिसके बाद बहस इतनी बढ़ गई कि विशाल ने मधुरिमा को गाली तक दे दी। इसके साथ साथ मधुरिमा जिस कुर्सी पर बैठी थी उसे विशाल ने धकेल दिया, जिसकी वजह से मधुरिमा पीछे जाकर गिरी। जब मधुरिमा के साथ ये सब हुआ तो मधुरिमा ने भी ये सब बर्दाश्त ना करते हुए विशाल को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। मधुरिमा ने भी विशाल को गाली दी और विशाल के साथ हिंसक हुई। इस दौरान विशाल आदित्य सिंह ने खुद को हर्ट भी किया, इस तरीके से हर्ट किया कि विशाल को खून आने लगा। ये पूरा तमाशा देखकर वहां मौजूद लोग दोनों को काबू में करने लगे। जैसे तैसे झगड़ा खत्म हुआ और रिहर्सल्स शुरू किए गए। बता दें कि ये पूरी कहानी जो हमने आपको बताई है, ये खुद मधुरिमा तुले ने मीडिया से इंटरैक्ट करते हुए सुनाई। अभी इस बात पर विशाल आदित्य सिंह का बयान आना बाकी है। मधुरिमा ने जब मीडिया से ये सब बातें कही तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि विशाल को किसी पागलों के डॉक्टर की जरूरत है। इतना ही नहीं, विशाल आदित्य सिंह ने लड़ते हुए ये भी कह दिया था कि मुझे लगता है कि हम दोनों को शो छोड़ ही देना चाहिए। वेल, अब तो हमें भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। एक साथ रहकर एक दूसरे को मारने पीटने से अच्छा है आप दोनों एक दूसरे से रास्ते बदल ही लीजिए। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।